नमस्कार, आज लाइव हूं मैं आपके साथ। अभी हाल ही में जो नतीजे चल रहे हैं उन पर हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट और एब्रीविएट करके बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं वो 2 सीटें जो हैं कांग्रेस को और बाकी की 9 सीटें जो है भाजपा को जाती दिख रही है। इसको इसके जो 5 इम्पैक्ट हैं इन नतीजों के वो बताने की कोशिश करेंगे। इस पर बहुत जल्द एक बहुत डिटेल आर्टिकल होगा, फिलहाल आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसका वो है, ये जो प्रमाण है, ये जो नतीजे प्रमाणित करते हैं कि 2018 विधानसभा में जो कांग्रेस की ट्रेमेंडस विक्ट्री थी वो आक्रोश जनित विक्ट्री थी। इस पर मोहर लगाते हैं कि वो एक क्रोध बनी हुई विक्ट्री थी, जो कि लोकल लीडरशिप बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ वोट था, जिसमें उन्होंने उसको नेस्तनाबूद करने के लिए वोट दिया। नेगेटिव वोट थे, पॉजिटिव वोट होते तो वो यहाँ भी कन्वर्ट होते, ये नेगेटिव वोट थे। पहली चीज तो ये सिद्ध होती है इन चुनाव से, इन नतीजों से। दूसरी चीज इन नतीजों से होती है कि एक बात और बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि स्टेट लीडरशिप जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको लोगों ने नकार दिया दूसरी बार। इस तरह से फिर देखने की कोशिश कीजिए कि एक तो नए चेहरे जो बीजेपी ने 10 जो सांसद थे 10 के 10 सांसदों की टिकट काट दिए, और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो जिनके बहुत बड़े नाम नहीं थे। इनमें एक अरुण साव हैं बिलासपुर से, एक ज्योति नंद दुबे हैं कोरबा से, एक गोमती साय हैं रायगढ़ से, एक मोहन मंडावी हैं कांकेर से, एक और हम जाएंगे संतोष पांडे, फिर भी संतोष पांडे थोड़ा सा नाम था लेकिन बहुत बड़े नाम वो भी नहीं थे। तो इस तरह से इन्होंने बिल्कुल फ्रेश फेसेस जो है उतार दिए थे और ऐसी जमावट की थी कि सारे सर, जैसे मैंने अर्ली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसी जमावट की गई थी कि 75 के 75 हारे हुए विधायकों को दूर रखा, 10 जीते हुए सांसदों को दूर किया 85, और यानी 90 विधानसभा वाले छोटे से 11 लोकसभा सीट वाले छोटे से राज्य में इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने की थी, उसके बीजेपी को अच्छे नतीजे मिले। इसका अर्थ एक ही है कि अब बीजेपी से लोग अपेक्षा ये कर रहे हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है जिसके ऊपर सारा बीजेपी अभी अवलंबित है, जिनके कंधों पर, उनको ये मैसेज है उनको हटाना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को अब पूरी तरह से अपना चेहरा हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मैंडेट था 2018 का वो ये मैसेज दे रहा था, और ये आज का मैंडेट जो है लोकसभा का ये इस बात पर मोहर लगा रहा है। तो 2 पॉइंट ये हुए, पहला ये 2018 की विक्ट्री वाज नॉट विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, इट वाज द नेगेटिव वोटिंग, और सेकंड ये कि जो स्टेट लीडरशिप है इसको खारिज कर रही है बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को, खासकर डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक को, जिन्हें चेहरा नहीं बनना चाहिए। इनमें कुछ और मिनिस्टर्स भी साथ हैं, राजेश मूणत उनमें साथ हैं, अजय चंद्राकर उसमें साथ हैं, ऐसे कुछ मंत्रियों से भी लोगों को एक दूरी महसूस हो रही थी, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। तीसरी चीज, ये बीजेपी के लिए संदेश है, बहुत स्पष्ट संदेश है कि आप नई फ्रेश लीडरशिप लाइए, आपको छत्तीसगढ़ में फायदा होगा। अब ये आपको तय करना है फ्रेश लीडरशिप कौन हो सकती है। फ्रेश लीडरशिप का अर्थ ये नहीं है कि आप उन्हीं चेहरों को थोड़ा सा नया रिवाइव करके कुछ कर दी। फ्रेश लीडरशिप का अर्थ ये है कि हम आने वाले दिनों में अगर ये देखें, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है जो निर्णय लेने में कभी अटकती हिचकिचाती नहीं है और रिस्क बड़ी से बड़ी लेती है, चाहे वो रिस्क छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो रिस्क उत्तर प्रदेश की हो, चाहे रिस्क पश्चिम बंगाल की हो, इवन चाहे वो रिस्क राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की हो, और तो और छोड़ दीजिए महाराष्ट्र में भी एक बड़ी रिस्क लेकर के ये शिवसेना के साथ गए थे। ऐसे में अगर हम देखें इकोनॉल में अगर देखते हैं तो ये हमें इस पे आश्चर्य करना होगा, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर हम जुलाई तक या जून जुलाई अगस्त तक स्टेट लीडरशिप में एक बिल्कुल 27, 28, 30, 35 साल का कोई लड़का राज्य का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा, कोई 35-40 साल का कोई व्यक्ति प्रदेश की भाजपा को संचालित कर रहा हो, कोई नौजवान विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष का स्थान ले रहा होगा, ये जो नतीजे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। तीसरा, चौथा इसमें जो है इससे बहुत क्लियर है कि जो आपने जो फ्रेश फेसेस दिए थे, भाजपा के पास अब कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भाजपा ने अपना कॉन्फिडेंस रिगेन किया है। इस कॉन्फिडेंस के आधार पर जो है बीजेपी एक नए सिरे से अपने आप को सृजित कर सकती है, बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी के पास है।
बशर्ते भाजपा को थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा, जैसा कि लोकसभा के टिकट बांटते समय इन्होंने किया था। 10 के 10 सांसद बदल दिए थे, 75 के 75 हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं दिया था, जीते हुए विधायकों को भी टिकट नहीं दिया। इस तरह से 90 वो 10 और 100 लोगों को 100 ऐसे फेस भाजपा के जो कि फ्रंट फेस थे, इलेक्शनल फेस थे, चुनावी फेस थे, उनको भाजपा ने एक पल में हटा दिया था, घटा दिया। ऐसे में बहुत फ्रेश लोग जो हैं इनको लाने के लिए एक तरह का ये आगाज है। अगर आप इस समय चूकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक छठवीं पांचवा पॉइंट ये है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म भी है। अलार्म के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम अवसर भी है कि अगर अब आपने स्टेट लीडरशिप को पूरी तरह से बदला हुआ नहीं पेश किया, पूरी तरह से नए चेहरे आपने नहीं उतारे, नई जमावट आपने नहीं उतारी, नए लोग आपने नहीं उतारे, तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा। याद रखिए, महासमुंद से धनेंद्र साहू जीतने की तरफ हैं और हमारे यहाँ पर जो एक विधायक मंडावी थे, दुर्भाग्य से उनकी माओवादी हमले में मृत्यु हो गई है, तो दो सीटें ये लगभग लगभग खाली होती दिख रही है। ऐसे में ये एक दो और एक दीपक बैज भी वहां से जीतते दिख रहे हैं। तीन सीटों पर अगले 4-6 महीने के अंदर जो है उपचुनाव होंगे, तो ये भाजपा के लिए अवसर होंगे कि इन तीन उपचुनावों को वो हासिल करके अपनी सीटों को 14 से बढ़ा करके 17 पर ले जाने का। लेकिन ये तभी संभव है जबकि आप जो है इन स्टेट के जो जॉइंट्स हैं, जो बड़े भारी जो लीडर्स हैं, जो जिनकी वजह से आप जो है इसमें लूज किए हैं विधानसभा में, उनको पूरी तरह से आप अनइन्वॉल्व कीजिए और बिल्कुल फ्रेश तम 30 से 50 साल की उम्र के नए विधायक, नए लोग, नया नेतृत्व, नए लोगों के हाथ में कमान, उनके पास पूरी प्लानिंग योजना और वो फिर इकट्ठा हो, जैसा कि भूपेश सरकार चल रही है। इसमें बहुत चीजें हैं जहां पर विपक्ष के पास पर्याप्त चीजें हैं जिनका विपक्ष जिन विरोध नहीं कर रहा। बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दो दिन पहले एक युवती ने नेता प्रतिपक्ष पर बहुत ही संगीन गंभीर आरोप लगाए और भाजपा की लीडरशिप ने किसी ने एक अदद बयान तक जारी नहीं किया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी एक शब्द नहीं बोलता है और नेता प्रतिपक्ष भी एक बहुत ही औपचारिक सा एक बयान व्हाट्सएप पर जारी कर देते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ जो बयान जो सीनियर जर्नलिस्ट हो जाते हैं वो मान के चलते हैं ऐसे ही बयान आएगा कि हम निंदा करते हैं, खारिज करते हैं, मैं उसको पहचानता तक नहीं, ऐसे ही होता है इस तरह के मामले वो जारी करते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब जो है राज्य की जो लीडरशिप है ये थक चुकी है और ये लोगों से कनेक्ट नहीं है और ना इसमें इतना साहस है कि लोगों के सामने आकर के खड़ी हो सके। तब मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये वार्निंग है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये अलार्म है भारतीय जनता पार्टी के पास, ये चेतावनी है और भारतीय जनता पार्टी के पास ये अंतिम अवसर है। और अगर उन्होंने यहां नहीं किया तो आने वाले 6 महीने के अंदर जो उपचुनाव होंगे तीन सीटों पर, संभावित उपचुनाव जो होंगे तीन सीटों पर, वो उन उपचुनावों में ये रिजल्ट्स समझ में आ जाएंगे, जैसे कि तैसे रिजल्ट्स पूरी तरह पलट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद किसी और किसी से अपडेट्स के साथ और इस पर एक विस्तृत आर्टिकल कोशिश होगी देर रात तक दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।